समुद्र मंथन की कहानी तो सब जानते हैं कि क्षीर सागर में जब देवताओं दानवों ने समुद्र मंथन करा तो उसमें से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्न में से एक तो मुख्य रत्न महालक्ष्मी का उदय हुआ था, और उससे पहले जो 14 रत्न निकले थे उसमें एक बहुत मुख्य रत्न था, वो थी कामधेनु गाय, जो कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ आपको लाभ दिलाती हैं, क्योंकि पहले जो देवता थे उनके लिए उनकी अवर्नेंस में वेल्थ जो थी वो कामधेनु गाय ही थी। वो कामधेनु गाय से ही वो जब वो दूध निकलता था वो इतना निकलता था कि उनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बहुत ज़्यादा उससे होती थी। तो इसके लिए आप क्या करें, क्योंकि कामधेनु गाय पे भी आप देखेंगे उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप धनतेरस वाले दिन या तो एक कामधेनु गाय की फोटो ले लीजिए या एक कामधेनु गाय का स्टैचू ले लीजिए, और उसके बाद उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी कि पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसमें आपको कामधेनु गाय एक पीले कपड़े पर रख दीजिए, और उसके बाद में डेली वहाँ पर एक जल का लोटा रखिए, क्योंकि वो जल तत्व की दिशा है, जल का लोटा रखिए, और उसके ऊपर आप जो है एक नारियल रखिए और उसमें आप कुछ पत्तियाँ डाल के रखिए, और उसके बाद डेली उसमें से जल निकाल कर अपने घर में छिड़किए और फिर दोबारा भर के रख दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने जीवन में जो आपको नए नए अवसर चाहिए वो मिलेंगे, अवर्नेंस में वेल्थ मिलेगी, आपको जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा।